पातालपुरी मठ के प्रमुख महंत बालक दास का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में वह कह रहे हैं कि अगर इस्लामवादियों ने भाजपा के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया तो साधु समाज शांत नहीं बैठेगा। महंत बालक दास ने कहा कि हमारी बेटी को बलात्कार की धमकी दी जा रही है, उनकी रक्षा के लिए 18 लाख नागा साधु संत सड़क पर उतरेंगे। यह वीडियो 11 जून को काशी में हुई धर्म परिषद का बताया जा रहा है। धर्म परिषद का आयोजन वाराणसी के हर तीर्थ के सुदामा कुटी में हुआ था। बैठक का नेतृत्व पातालपुरी मठ के प्रमुख महंत बालक दास ने की थी। इस सभा में काशी में कई मठों, पीठों और अखाड़ों के मुख्य पुजारियों और धार्मिक नेताओं के साथ साथ कई अन्य हिंदू संत शामिल हुए थे। इस दौरान महंत बालक दास ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि दिन ब दिन अराजकता बढ़ती ही जा रही है, लोगों ने हद ही पार कर दी, भगवान शिव का मजाक बनाया जा रहा है, शिवलिंग को एक फव्वारा बताया जा रहा है, इसके बाद भी सनातन धर्म के लोग शांत बैठे हुए हैं। महंत बालक दास ने आगे कहा कि हद हो गई, भारत की एक बेटी ने भगवान शिव पर अपमानजनक टिप्पणी सुनने के बाद वही कहा जो उनकी कुरान में लिखा हुआ है, सभी सनातनी लोग शांतिपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं, फिर भी ये मौलवी मस्जिदों से लोगों को बुला रहे हैं कि वे आए, पत्थर फेंकें और अराजकता फैलाएं। उन्होंने कहा कि यदि चीज़ें गलत होती हैं तो नागा साधु नुपुर शर्मा के बचाव में सड़कों पर उतरेंगे। उन्होंने कहा कि आज हमारी बेटी को बलात्कार की धमकी दी जा रही है, यदि उसे कुछ हो गया तो ध्यान रहे कि यह साधु संत समाज शांत नहीं बैठेगा, 18 लाख नागा साधु सड़क पर उतर आएंगे, साथ ही पूरा संत समाज सड़क पर उतर आएगा और फिर आप उस मंजर की कल्पना भी नहीं कर सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।